माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन वेस्ट बंगाल, जो कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। तो आज का जो ब्लॉग है वो एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ईटानगर से कुचबिहार कैसे जाते हैं, हम कैसे ट्रैवल करते हैं, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो आप वीडियो के साथ बने रहें तो आपको सब देखने को जानने को मिलेगा। और एक्चुअली यहाँ से भी डायरेक्ट बस मिलता है, बट हम अभी डायरेक्ट बस से नहीं जा रहे हैं, हम गोहपुर से बस में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी रास्ता कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत लॉन्ग रूट पे बहुत लॉन्ग से लेके जाते हैं घुमा के, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग गोहपुर से जाएंगे। अभी यहाँ से अभी हम लोग ऑटो में जाएंगे, ऑटो में गोहपुर तक जाएंगे, गोहपुर से फिर हम लोग बस में जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, ऑटो से जा रहे हैं अभी गोहपुर होलोंगी से। मेरी बहन बहुत एक्साइटेड है वो, और वो रही मम्मी। तो लेट्स गो। गोहपुर पहुंच गए और हमारा बस भी अभी आ गया है। ये रहा हमारा बस, जिसमें आज हम पूरा दिन और रात जर्नी करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुकाया है बस। गोहपुर से और यहाँ तक के बीच में, ये पता नहीं कौन सा जगह है, यहाँ तक के बीच में बस एक ही बार बीच में रुकाया था और अभी रुकाया है। अभी कितने बज रहे हैं, 8:40। तो इतना टाइम बस में बैठ बैठ के पूरा कमर में जवाब दे दिए। तो अभी खाना खाने के लिए रुकाया है, तो अभी खाना ऑर्डर करके खा के फिर नाइट जर्नी करना पड़ेगा। तो हमारा डिनर आ गया, मैंने रोटी ऑर्डर किया और मम्मी ने राइस, और हमने लिया है पनीर मसाला। तो ठीक है, डिनर करने के बाद मिलते हैं। तो जी, हमने डिनर कर लिया है, डिनर क्वाइट अच्छा ही था, इतना ख़राब नहीं था। तो अभी शायद और थोड़ी देर बस रुकेगी, वो बस अभी मुझे नींद आ जाए बस पे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कुचबिहार। ये बस स्टैंड से मैं वीडियो कर रही हूँ। तो एक्चुअली हम लोग लेट हो गए, सुबह 5 बजे से पहले ही पहुँचा देते हैं, बट अभी हम बज रहे हैं 6 बज रहे हैं अभी, तो एक घंटा लेट हो गया है, क्योंकि एक्चुअली रास्ते पे बहुत सारी चेकिंग्स भी हो गई इलेक्शंस के कारण, और जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो गलती से दूसरे गलत रास्ते पे लेके चले गए, तो उसके कारण भी लेट हो गया। तो कोई नहीं, चलो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन रात को इतनी ठंडी नहीं थी, बट अभी थोड़ी ठंडी लग रही है सुबह के टाइम। बस जर्नी बहुत ही, क्या बताऊँ, बहुत ही टायर्ड हो चुकी हूँ अभी। तो अभी हम लोग को यहाँ से अभी फिर जाना है गोशानी वाली।
तो यहाँ से अभी फिर ऑलमोस्ट और 1 घंटा का रास्ता है, तो बाहर से गाड़ी मिल जाएगा, तो वहाँ से फिर हम लोग जो अभी घर है वहाँ जाना है। ठीक है, मिलते हैं आपको रास्ते में। মানুষই নাই তো, মানুষ হতে দেরি হবে নাকি? না না। तो हम लोग गुशन मेरी पहुंच गए। गुशन मेरी पहुंच के वहां से एक टोटो गाड़ी ले लिया और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो जी हम पहुंच गए घर। अभी सब सामान वामान सेटल डाउन करके मैंने नहा भी लिया, नहा के फ्रेश होके अभी मैं कुछ खा के सो जाऊंगी। बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब ईटानगर से यहाँ आने तक का फेयर एंड ऑल के बारे में। तो फेयर अगर ईटानगर से अगर आप डायरेक्ट आओगे तो आपका फेयर हो जाएगा 1100 जो बस टिकट है, लेकिन हम लोगों ने गोहपुर से टिकट करवाया था तो हम लोग का 900 पड़ा। तो एक्चुअली सेम ही हो जाता है, फिर ईटानगर से गोहपुर जाने के लिए जो फिर जो फेयर लगता है तो एक्चुअली सेम ही हो जाता है। बट लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हो, अभी ट्रेन बंद है इसलिए हमको बस से आना पड़ा, लेकिन अगर ट्रेन से जाते हो तो आपको 800 समथिंग कुछ है, और वही मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। जो मतलब जो ड्यूरेशन होता है जर्नी का वो भी कम रहता है एंड थोड़ा आराम भी रहता है। बस में तो बहुत तकलीफ होती है। तो बस यही ठीक है। तो मैं अभी रेस्ट थोड़ा सा सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, बहुत तेज नींद आ रही है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और हाँ, मैं अभी तो यहीं पे हूँ, तो आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेगा वो यहाँ से बंगाल, वेस्ट बंगाल से ही कुछ कुछ अच्छी अच्छी जगह मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ का आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी। ठीक है, देन मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय।